हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। इसमें मैं क्या करता हूँ, डेली आपको एक टास्क देता हूँ, वो आपको टास्क कंप्लीट करना है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, और आपको 30 दिन तक ये टास्क पूरे करने हैं। 30 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद ही देखोगे यार, 30 दिन पहले आपकी तैयारी कैसी थी और 30 दिन बाद तैयारी कैसी हो गई। ठीक, मैं डेली टास्क देता हूँ, वो आपको पूरे ईमानदारी से पूरे करने हैं, कंप्लीट करने हैं, कोई मक्कारी नहीं करनी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप वाकई में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, आपका चाहते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में आपका रोल नंबर आए, तो बिल्कुल आपको 45-46 दिन बहुत मन से पढ़ना है। पूरा आपका जितना भी टाइम होना चाहिए ना, सारा का सारा टाइम आपका स्टडी के लिए होना चाहिए, जो 40-45 दिन आपके पास शेष हैं। ठीक है, बेरोजगारी दूर करने का बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है आपके लिए। ठीक है, तो आते हैं आज के टास्क के बारे में। 4 वीडियो के पेपर पुरानी शिफ्ट वाले हो चुके हैं, जो 22 दिसंबर 23 दिसंबर के थे। ठीक है ना, आज टास्क का 5वां दिन है, तो आज आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी का जब गठन हुआ था ना दोबारा, तो उसका सबसे पहला एग्जाम हुआ था युवा विकास कल्याण अधिकारी, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो आपको लेना है वो पेपर और वो लगाना है। उसमें क्या था, 25 क्वेश्चन मैथ के थे, 25 साइंस के। आप 25 क्वेश्चन मैथ वाले स्किप कर सकते हैं, लेकिन साइंस के आप लगा देना। क्यों लगा देना, मैंने 30 दिन के जो ये टास्क है, इसमें साइंस कहीं इंक्लूड नहीं करी है। क्यों नहीं की, इसलिए बताता हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर पेपर आया था, चारों शिफ्ट में साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर साइंस आपको पढ़नी है, जितनी आपने पढ़ ली है उतनी एक बार रिवीजन कर लेना, नई साइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आएगा भी क्वेश्चन तो बेसिक आएगा, यूनिट डिजिट पूछ लेगा, या किसी बैक्टीरिया या फंगस से होने वाला रोग पूछ लेगा, वायरस से होने वाला रोग पूछ लेगा, बेसिक चीज़ पूछी जाएगी। तो आप साइंस लगा सकते हैं। युवा विकास दल अधिकारी में क्या हुआ था, 200 क्वेश्चन थे और 25 मैथ के थे, 25 आपके साइंस के थे, बाकी 50 रीजनिंग, 50 हिंदी, 50 जीएस के थे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 25 मैथ के स्किप कर सकते हैं, लेकिन साइंस के लगाना चाहो तो साइंस के भी स्किप कर सकते हो, लेकिन लगाना चाहो लगा सकते हो। बाकी जो 150 क्वेश्चन है वो बड़े आराम से लगाने हैं आपको। ठीक है ना, युवा विकास दल अधिकारी शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट की। ठीक है ना, मैंने टेलीग्राम चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल 200 out of 200 पर पेपर और आंसर की दोनों अपलोड की हुई है। काफ़ी पेपर अपलोड किए हुए हैं और सबकी आंसर की अपलोड की हुई है। कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ कि सर इसकी पेपर अपलोड कर दो, इसका आंसर की। अरे एक बार यार जाके तो देखो, एक बार आपको वहाँ मीडिया फाइल में जाको, फाइल्स में जाओ, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। ठीक है ना, आप फाइल्स में जाकर देखें, जितनी भी पेपर हैं मैंने अपलोड, यहाँ तक के पीसीएस मेंस के, प्री के, सारा लोअर पीसीएस वाले भी मैंने पेपर अपलोड किए हैं विद आंसर की। ठीक है ना, तो आपको क्या करना, आज का टास्क सुन लीजिए, युवा विकास दल अधिकारी का मॉर्निंग की पहली शिफ्ट से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन लगाने। अब आपको पता है मैंने जीएस में हिस्ट्री चालू की है, हिस्ट्री में आपको प्राचीन इतिहास खत्म हो गया, आज चलेगा मध्य इतिहास। मध्य इतिहास स्टार्ट होता है सल्तनत वंश से, आपको सल्तनत वंश पढ़ना है, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक आपको सारा पढ़ना है। ठीक है ना, अब रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में अगला चैप्टर लेते हैं अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट वर्बल के लिए और नॉन वर्बल के लिए, पेपर फोल्डिंग वाला, पेपर फोल्डिंग का भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट और पेपर फोल्डिंग दोनों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। ठीक है ना, हिंदी की बात करूं, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने, उपसर्ग और प्रत्यय एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के। ठीक है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन है, मैंने पीडीएफ आपके अपने टेलीग्राम चैनल 200 out of 200 पर उपसर्ग प्रत्यय की अपलोड कर दी है। हिंदी के लिए आपको उपसर्ग प्रत्यय करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके की बात करूँ तो क्रेजी टीके ट्रिक फॉलो करवा रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैंने भी वही फॉलो किया हुआ है। मैंने भी जीएस के लिए ज़्यादातर जो फॉलो किया है वो क्रेजी जी के ट्रिक है, और मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ तो वही चैनल रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी अच्छी ट्रिक से वो समझाया हुआ है, जिससे आपको ज़्यादा दिन तक याद हो जाए। ठीक है ना, तो एक यार देखो, एक वीडियो से, और अगर हम कॉपी किताब से पढ़ रहे हैं और एक वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, तो वीडियो से ज़्यादा याद होता है जीएस में, अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है तो। ठीक है ना,
स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है पर्व त्योहार और मेले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्टैटिक जीके हो गया, ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है, ज्योग्राफी का अगला चैप्टर देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में भी आपको सारे पढ़ना है, मैं लिंक वो क्रेजी जीके ट्रिक का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अपने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पॉलिटी में आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी भी स्टार्ट की हुई है, पॉलिटी में आपको पढ़ना मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से सीधा सीधा अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद अच्छे से पढ़ना जितने भी पढ़ना, ठीक है, जितने अनुच्छेद पढ़ना अच्छे से पढ़ना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा सीधा सीधा आपका कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है, या आपको स्टेटमेंट दे देगा कि ये किस आर्टिकल का, ये किस कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है। जैसे 27, 28, 29 ये बहुत पूछे जाते हैं मौलिक अधिकार में, 30, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, मौलिक अधिकार पढ़ना है आपको, मैंने अपने नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल 200 out of 200 पर प्रोवाइड करा दिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी स्टार्ट किया हुआ है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको पढ़ना है आज, क्रेजी जी के ट्रिक में 12 लेक्चर हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, आज आपको देखना पहला लेक्चर उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, 24 मिनट की वीडियो है, आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय है क्या, ठीक है ना, आपको उत्तर प्रदेश की जो बेसिक नॉलेज है वो हो जाएगी इससे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में कि आपको आज का सारा टास्क पता चल गया होगा। युवा विकास दल अधिकारी से स्टार्ट करना है, सल्तनत काल हिस्ट्री में, फिर अल्फाबेट टेस्ट वर्बल और पेपर फोल्डिंग नॉन वर्बल कागज मोड़ना, ठीक, हिंदी में उपसर्ग पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके में पर्व त्योहार मेले, और जियोग्राफी में सौरमंडल, पॉलिटी में मौलिक अधिकार, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, और 30 दिन बाद आप देखोगे खुद में इम्प्रूवमेंट। एक दो कमेंट आए थे कि भैया 200 बन रहे हैं, 200 180 बन रहे हैं, एग्ज़ाम तक 250 240 हो जाएंगे, 240 250 की ज़रूरत नहीं है, 225 220 पे काम बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसलिए ही कहता हूँ 115 का टारगेट, 115 से 120 का टारगेट के लिए बोला है, मैंने कभी 130 135 का टारगेट नहीं बोला है। जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं करता हूँ, मैं बोल दूँ कि 140 प्लस उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, 140 प्लस किसी के आ जाए कि वो UPPCS की तैयारी कर रहा हो बंदा कि हाँ जी 135 आ गए, कि PCS उसकी सारी GS सही हो गई, रीजनिंग और हिंदी सही हो गई, 115 से 120 सेफ स्कोर है, और सेफ स्कोर के बारे में ना ही सोचें तो ही ज़्यादा बढ़िया है, वो एक तरह का मेंटल प्रेशर आ जाएगा आपके आपके ऊपर, ठीक है। तो आप यूपी के एग्ज़ाम के लिए वीडियो के लिए 115 120, जनरल के लिए मैं अब भी बोलूँगा मोर देन इनफ है, ठीक है ना, पढ़ते रहें और ये जो टास्क है वो लगाते रहें। चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाय।